उजहारी में धूमधाम से मनाई गई ईद उल फितर। ईदगाह में 7:30 बजे अदा की गई नमाज। मस्जिद कुरैशियान में 8 बजे अदा हुई ईद की नमाज। नमाज के बाद मुल्क व कौम की तरक्की के लिए की गई दुआ। जनपद अमरोहा के कस्बा उजहारी में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह के अंदर ईद उल फितर की नमाज 7:30 बजे मौलाना मोहम्मद यूनुस ने अदा कराई। नमाज से पहले लोगों को खिताब फरमाते हुए मौलाना मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ईद अल्लाह की तरफ से इनाम है, क्योंकि मोमिनों ने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे और अल्लाह की इबादत की। मस्जिद कुरैशियन में ईद उल फितर की नमाज 8 बजे मुफ्ती फैज़ान रज़ा नईमी ने अदा कराई। उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की और फरमाया कि ईद खुशी का दिन है, क्योंकि अल्लाह के करम से रमज़ान उल मुबारक के रोज़े खैरियत के साथ पूरे हो गए। के मौके पर हमें गरीब, बेसहारा और कमज़ोर लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए। सदका और खैरात से उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वह लोग भी ईद के त्यौहार को खुशी के साथ मना सकें। नमाज के बाद मुल्क एवं कौम की तरक्की के लिए दुआ कराई गई। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कब्रिस्तान में जाकर मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की तथा एक दूसरे के घर जाकर ईद के विशेष पकवान का आनंद लिया। Yeah.